नमस्ते बच्चों, कल हमने फर्स्ट पेपर में सेकंड यूनिट में बाल अधिकार पढ़े थे। बाल अधिकारों में हमने चार अधिकार उनके पढ़े थे। उन्हीं अधिकारों का आगे विस्तृत वर्णन, उन्हीं में से एक हम शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है वो हम पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं संविधान द्वारा हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदत्त है, उन्हीं में से एक बाद में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया जो कि बालकों का अनिवार्य अधिकार है। और इस समाज की, हमारे देश की हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक बालक को किसी भी स्कूल में निशुल्क शिक्षा प्रदान करें, उसे स्कूल से जोड़ें। अब एक शिक्षक होने के नाते हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है इसके अंतर्गत, वो हम देखेंगे। जैसा आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन 2009 यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। अधिनियम 2009, ये 2009 में पारित किया गया था, इसलिए इस अधिनियम का नाम ही है निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। ये लागू हुआ अप्रैल 2010 से, सभी पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को, जब ये लागू किया गया था तब की बात है, पांच वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा निःशुल्क देनी थी, किसी भी आयु वर्ग, किसी भी क्लास में। जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, आप उनको लाइए, जोड़िए उनको विद्यालय में, उनके स्तर तक ले जाकर के, यानी 14 वर्ष का बालक, अगर आपने 10 वर्ष का बालक लिया है कि वो नहीं पढ़ रहा है, समाज में पिछड़ा हुआ है, वो स्कूल नहीं जाता है, तो उसको उठाइए, वो जिस कक्षा के लायक है उस क्लास तक उसको पहुंचाइए, उसके साथ में एक्स्ट्रा क्लास दीजिए, अलग से मेहनत कीजिए। लेकिन यदि 10 वर्ष का बालक 5वीं क्लास में पढ़ता है, 3री, तो वहां तक ही उसका, उसी क्लास में उसका एडमिशन होगा, और शुरू से लेकर के उसको 3री क्लास तक की पूरी परीक्षाएं, पूरा किताब, पूरा पाठ्यक्रम, आपको पढ़ना लिखना सारे स्किल उसको वहां तक सिखा देने थे। तो ये इस शिक्षा में, ये इस अधिनियम में ये बातें की गई थी। शिक्षक की बहुत मुख्य जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी है, इसमें दायित्व है। आज इसको, आज की तारीख में इसको बदल दिया गया है, पहले 14 वर्ष तक था, अब इसको 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है बच्चों की, यानी 12th के तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इस दरमियान उसकी कोई भी फीस नहीं लगती है, तो बच्चों को शिक्षा दीजिए और उससे जोड़िए। अब जब ये अधिनियम पारित हो गया, इसके बाद इसमें ये ध्यान रखिए, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलें इसके अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। ऐसा नहीं है कि उस बालक को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में ही एडमिशन मिलेगा, उस बालक को प्राइवेट स्कूल में भी उसका अधिकार है कि वो वहां जाकर के शिक्षा ग्रहण करे। अगर वो चाहता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में अध्ययन करूं, तो वो वहां जाकर अध्ययन करेगा, उसे कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। फीस का भरण पोषण जो है वो सरकार अपने ऊपर लेती है, लेकिन बालक को वंचित नहीं कर सकते शिक्षा देने से, ना ही कोई स्कूल मना कर सकता। तो यदि आपके आसपास में कोई भी ऐसा स्कूल हो, ऐसी घटनाएं हो जहां पे एडमिशन नहीं मिलता, कुछ 25% सीटें जो है प्राइवेट स्कूल में बुक होती है बच्चों के लिए, रिजर्व रखी जाती है ऐसे बच्चों के लिए, उन्हें उसके अंतर्गत एडमिशन देना ही पड़ता है। अगर मना करें तो आप इस अधिनियम का हवाला देकर के एडमिशन करवा सकते हैं। अब जब ये अधिनियम पारित हुआ, तो इसमें कुछ अधिकार अपने साथ में, कुछ नियम, कुछ अधिकार लेकर आए, जिसमें बालकों के क्या थे, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालक, यानी 5 वर्ष बाद जब विद्यालय जाने योग्य बालक हो जाता है, जो अधिनियम में बोला गया उसकी बात, 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आसपास के विद्यालयों में निःशुल्क उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, लेनी है, ये उसका अधिकार है, जैसा मैंने आपको बताया।
ये बालकों का अधिकार तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं भी जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे, करना है उन्हें। और माता पिता का भी कुछ अधिकार जोड़ा गया, माता पिता के लिए मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया कि आप एक अभिभावक होने के नाते, माता पिता होने के नाते, आप किसी भी बालक को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे, यानी आप उन्हें मजदूरी नहीं करवा सकते, आप उन्हें घर के काम में नहीं लगा सकते, आपको उन्हें विद्यालय भेजना ही पड़ेगा और अनिवार्य शिक्षा उन्हें दिलवानी ही पड़ेगी। ये माता पिता के कर्तव्यों में आया, मूल कर्तव्यों में हमारे जोड़ा गया, माता पिता का कर्तव्य था। पहले क्या होता था, मजदूरी पे लगा दिया, लेकिन अभी वो अपराध है, आप मजदूरी पे नहीं लगा सकते। आपके घर में कोई भी परिस्थितियां हो, लेकिन आपको बालकों को शिक्षा तो ग्रहण करवानी है। इसके साथ आपने देख लिया बालकों के अधिकार, माता पिता के दायित्व, फिर आता है विद्यालय का दायित्व। विद्यालय दायित्व में है कि सभी विद्यालय जो है उसकी प्रविष्टि के लिए खुले रहेंगे, उसे मना नहीं करेंगे। एक और मैंने आपको उदाहरण बता ही दिया कि प्राइवेट स्कूल वाले भी कई बार फीस की मनमानी के चक्कर में एडमिशन नहीं देते हैं, तो आप उनको भी बाध्य किया कि 100 में से 25 सीटें आप इन बालकों के लिए रखेंगे, आप 75 सीटों पर ही एडमिशन देंगे लेकिन इनको रखेंगे। ये विद्यालय का दायित्व था। यदि किसी कारणवश विद्यालय बालक छोड़ता है, चला जाता है, तो उनको भी आपको विद्यालय से पुनः जोड़ना है, ये आपके दायित्व में आता है, यानी कि विद्यालय के दायित्व में आता है। यदि बालक के पास में टीसी नहीं है तो भी आपको उसको एडमिशन देना है, यानी किसी भी एन के प्रकरण से आप उन्हें मना नहीं कर सकते कि आपके पास में टीसी नहीं है, आपके पास में पहली का सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, आप पास नहीं हुए हैं पांचवी कक्षा, तो भी आपको इन सभी कारणों को मना करके, एक तरफ रख करके आपको उनको एडमिशन देना है। यानी ये सभी चीजें जो है विद्यालय को बताएगी कि आप ऐसा करेंगे। किसी भी समय वर्ष में सत्र प्रारंभ होता है, जुलाई से लेकर के एडमिशन सत्र होता है मई का, फिर जुलाई का 15-15 दिन का सत्र मनाया जाता है, मई में 15 दिन का सत्र होता है एडमिशन का। यानी जब अभी फिलहाल तो कोरोना की परिस्थितियों में सारे सत्र उलट पुलट हो गए हैं, लेकिन शैक्षिक सत्र जो हमारा होता है वो 1 मई से लेकर के 15 मई तक का नया सेशन शुरू होता है, उस सेशन में हम एडमिशन ही करते हैं। यानी शिक्षकों का ये दायित्व तो होता है कि वो बच्चों को ढूंढे और अपने विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करें, वो उनका प्रवेश सत्र कहलाता है। वापस फिर पुनः जुलाई में ये सत्र 15 जुलाई तक चलता है प्रवेश सत्र। तो इस ऐसा नहीं है कि इसी प्रवेश सत्र में आप बालक का एडमिशन करेंगे, इस सत्र के बाद भी अगर मिड सेशन में बालक आता है, अक्टूबर नवंबर में बालक आपके पास आया कि मुझे एडमिशन चाहिए, कहीं से उसके पिताजी दूसरी जगह जॉब करते थे, ट्रांसफर होकर यहाँ आए, या नौकरी पैसे या मजदूरी के वजह से दूसरी जगह आए, अब उनके बालक को विद्यालय में पढ़ना है, वो गया और आप मना कर देंगे कि नहीं अभी तो सत्र तो पूरा होने को आया, आधा सत्र बीत चुका, हम तो विद्यालय ऐसा कभी नहीं कर सकता है, उसे मिड सेशन में भी बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा, बिना वहां की टीसी, बिना वहां के प्रमाण पत्र देखे हुए। सबसे पहला काम है आप उसको स्कूल में एडमिशन दीजिए और उसको क्लास में बिठाइए, उसको शिक्षा दीजिए। शिक्षक के दायित्व भी है कुछ। शिक्षक का दायित्व ये है कि विद्यालय में आप छात्रों की उपस्थिति नियमित रखें। ऐसा नहीं आज बालक, आज आपने, कल उसने एडमिशन लिया है, आज कक्षा में बैठा, कल नदारत है, आगे 10 दिन नहीं आ रहा है। शिक्षकों को ये भार दिया गया है इस अधिकार के तहत कि आपको उनकी नियमितता बनानी है, ढूंढ ढूंढ के लाइए। आपने उदाहरण देखा होगा कि बाहर जाते हैं शिक्षक कि घरों से पकड़ पकड़ के लाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते, इस अधिकार में उनको बोला गया है, उनका दायित्व है ये कि आप उनकी नियमितता बनाए रखें। यदि नियमित नहीं होगा तो सीधी सी बात है सीखेगा नहीं। पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा करवाइए उन्हें, यानी छठी क्लास का बालक है तो छठी क्लास तक का उसको आपको पाठ्यक्रम वहां तक पूरा करवाना ही है, उस लेवल में बालकों के लाना ही है। शिक्षक अनुपात जो है वो बनाए रखना है, यानी कि भीड़ करके आपने क्लास में बिठा लिया कि बहुत सारे तो आ गए तो हम क्या करें, 60% की क्लास है, नहीं, जो 30 पर एक बालक मिलना है, 30 पर एक शिक्षक मिलना है कि 30 बच्चे हैं एक शिक्षक है, वो अनुपात आप निर्धारित रखेंगे, सेक्शन बना दीजिए और अतिरिक्त कक्षाएं लगा करके उनका पाठ्यक्रम पूरा लगवाइए। शिक्षक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, अतिरिक्त कक्षा लेकर के विद्यालय में ही वह बच्चों को पाठ्यक्रम पूरा करवाएगा, लेकिन वो ट्यूशन नहीं करेगा कि तुम मेरे घर आ जाना मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ये शिक्षक नहीं करेगा। तो इस प्रकार इस अधिकार में माता पिता के, विद्यालय के,
बालक के खुद के और शिक्षकों के चार प्रकार के दायित्व अलग अलग बांटे गए हैं। सभी को अपना दायित्व संपूर्ण तरीके से ईमानदारी से निर्वहन करते हुए इस अधिकार का बालकों को उपयोग करना सिखाना है। आप नोट करना चाहें इसमें, तो वैसे तो आप लोग इन सारी चीजों को जानते हैं, फिर भी हमारे कोर्स में जो है वो मैंने आपको बताया, और एक शिक्षक होने के नाते आपको जरूरी है आप अपने दायित्व को जरूर जानें।